लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। समाचार शिव को देते हैं तो उनकी क्रोधाग्नि भी
भभक उठती है। जटा पर्वत पर पटकने से शिवदूत वीरभद्र प्रकट होता है तथा स्वामी की आज्ञा पाकर दक्ष का यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर उसकी गर्दन तलवार से काट यज्ञाग्नि में फेंक देता है। यह दुखद समाचार सुनकर वीरणी विलाप करने लगती है। चंद्रदेव उसे शिव की शरण में जाने की प्रेरणा देते हैं। शिव इतने कठोर नहीं माते कि किसी के प्राण हर ले। उन्होंने तो पिताश्री को केवल उनकी करनी का दंड दिया है। अब आप ये शोक त्याग दीजिए और शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि वो शीघ्र से शीघ्र पिताश्री को पुनर्जीवित कर दें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भवज्वरणी, महादेव तो करुणा के सागर है। उनकी जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसे सब इच्छित मिल जाता है। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। देवर जी, उस दिन आपने कहा था आप कभी इस महल में चरण नहीं रखेंगे, किंतु आज आप मुझे सांत्वना देने यहाँ आए हैं अपना प्रण तोड़कर। नारायण नारायण, नारद अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलता भावज्वरणी, चाहे फिर उसके लिए उसे अपना प्राण ही क्यों ना तोड़ना पड़े। विश्वास रखो भावज, आपका सुहाग अखंड है और अखंड ही रहेगा। भ्राता दक्ष का धड़ यद्यपि निश्चेष्ट होकर यज्ञ भूमि में पड़ा है, फिर भी उसमें प्राण शेष है और जैसे ही शिवजी की कृपा होगी भ्राता दक्ष पुनर्जीवित होकर उठ बैठेंगे। क्या बात है माते, आपको देवऋषि के कथन पर विश्वास नहीं? देवऋषि के कथन पर कैसे अविश्वास कर सकती हूँ? ये तो परम भक्त और सबके कल्याण करता है। परंतु जब अजर अमर परमात्मा सदाशिव से मैं अपने पति का जीवन दान मांगूंगी, तब यदि उन्होंने मेरी प्रिय पुत्री सती के आत्मदाह की बात छेड़ी तो मैं क्या उत्तर दूंगी, क्या उत्तर दूंगी मैं? नारायण नारायण। भावज, सती के लिए हम सबको अत्यंत दुख है, किंतु सत्य यह है कि शिवजी की इच्छा से ही सब कुछ संभव है, अन्यथा कुछ भी संभव नहीं। यह शिव की कैसी विचित्र इच्छा है बताइए ना देवर्षि, जो संसार के सभी प्राणियों के मन से मृत्यु का भय दूर कर सकते हैं, जो मृत्यु मुख में पहुंचे हैं उन्हें पुनर्जीवित कर सकते हैं, उन्होंने मेरी बेटी सती को क्यों नहीं बचाया? क्यों अपनी ही अधांगिनी को योगाग्नि में जल जाने के लिए विवश किया? मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए देवर्षि। नारायण नारायण। आप शिव लीला से अपरिचित हैं भावज, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। सती तो शक्ति का अवतार थी, मृत्यु तो उसे छू भी नहीं सकती थी। तो फिर सती ने अपने प्राणों का त्याग क्यों कर दिया? सामान्य नारी के समान अपनी देह का अंत क्यों कर दिया? रोहिणी, माता शक्ति ने सती के रूप में नारी अवतार धारण किया नारियों का आदर्श बनने के लिए। सती ने ऐसी नारी का आदर्श प्रस्तुत किया जो अपने पति के प्रति होने वाले किसी भी अन्याय को सहन नहीं कर पाती थी। सती, सती का नाम ही आदर्श पतिव्रता नारी के रूप में हमारी संस्कृति के इतिहास में अमर हो जाएगा। धात, मेरी सती भी शिव की कृपा से पुनर्जीवित हो सकती है? नहीं, सती ने यह आदर्श सामान्य नारी के लिए प्रस्तुत किया है, जो जन्म लेकर अपने पति के लिए प्राण त्याग करती है। अब सती अपने पहले वाले रूप में आपको नहीं प्राप्त होगी, वे अब शक्ति के रूप में अजर अमर है। वे न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, वे शिव के समान शाश्वत हैं। वे शक्ति के रूप में जगत के कण कण में निवास करती हैं। माते, अब आप सती का शोक त्याग दीजिए, वो अब हमें सती रूप में नहीं शक्ति रूप में दर्शन देंगी, क्यों देवऋषि? हाँ रोहिणी, ये सब शिव लीलाएं हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं। शिव लीलाओं का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया, और जब तक शिवजी की इच्छा है
तब तक ऐसी विचित्र लीलाएं करके वे संसार वासियों को चकित करते रहेंगे। भावजवीरणी, मेरी ये इच्छा है कि कैलाश जाकर आप भी ये शिव लीलाएं देखें और देवाधिदेव महादेव के चरणों में अपना शीश नमाकर प्रार्थना करें। तब देखना शिवजी की दया का चमत्कार, भ्राता दक्ष अवश्य जीवित होंगे। हाँ, अवश्य जीवित होंगे। अवश्य जीवित होंगे, अवश्य जीवित होंगे, अवश्य जीवित होंगे, अवश्य जीवित होंगे, अवश्य जीवित होंगे। मैं भोलेनाथ की शरण में कैलाश जाऊंगी। जय महारुद्र। अय महाबलहंकर, आपकी आज्ञा के अनुसार दुष्ट दक्ष का अंत कर दिया और उसके सर को काटकर यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। वीरभद्र, तुम मेरी आज्ञा का पालन कर धन्यवाद के पात्र हो गए हो। सभी गणों में सर्वश्रेष्ठ हो, यशस्वी भव। जय महारुद्र। पर ब्रह्म परमात्मा श्री सदाशिव को प्रणाम। करुणा सागर, भक्त वत्सल, भगवान शिव शंकर को वंदन। हे चराचर पति, सम्राट शिव शंकर, कृपा सागर, मैं वो दुर्भाग्यशाली स्त्री हूं जिसने एक हाथ से अपनी पुत्री सती को खो दिया है और अब दूसरे हाथ से उस पति को खोने जा रही हूं जिसका सिर विहीन शरीर तड़पता देखकर मुझ पर हर पल मृत्यु का पल होकर टूटता है। ये जानते हुए कि जो भी हुआ है उसके उत्तरदायी मेरे पति ही हैं, मुझे ये कहने का अधिकार नहीं कि मेरे पति को उन कष्टों से मुक्त कर दो और जीवन दान दो, किंतु इतना अवश्य कहूंगी कि उनके कष्टों का अंत कर दो, 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 उनके कष्टों का अंत। हे सदाशिव, कष्ट का अंत आप कैसे करेंगे ये तो आप ही को ज्ञात होगा, किंतु मैं आपसे ये प्रार्थना अवश्य करूंगा कि दक्ष को जीवनदान मिले और अपूर्ण यज्ञ संपूर्ण हो सके। दक्ष से मेरा कोई बैर नहीं श्री हरि, जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा विधाता के संकेत के बिना असंभव है। अस्तु, आप सब की इच्छा का सम्मान करते हुए मैं दक्ष को अवश्य जीवन दान दूंगा, अवश्य। पति की मृत्यु से पीड़ित और आहत वीरणी, पत्नी की मृत्यु से पीड़ित और आहत शिव की शरण में आकर अपने सुहाग की याचना करती है। लोक कल्याणकारी शिव उसे अभयदान देते हैं और वीरणी के सुहाग की रक्षा हित यज्ञशाला में पहुंचते हैं। स्वामी, 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 स्वामी कहां तुम? स्वामी, स्वामी, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया स्वामी? प्रभु, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए भोलेनाथ, कृपा कीजिए।
प्रजापति दक्ष वृथा अभिमान से उपजे अपने भयंकर अपराधों का दंड तुम्हें मिल गया है। अब अपने अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण करने के लिए तुम्हें अजामुक बनाकर नया जन्म दिया जा रहा है। तुम्हें यह मुख देने के पीछे तात्पर्य है कि इसे देखकर संसारवासियों को तुम्हारे कर्म सदा के लिए याद रहेंगे और वे अपने आप को ऐसे कर्मों से दूर रखने का प्रयत्न करेंगे। कल्याण भवतु। जीवन धन्य हो गया। हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे भोलेनाथ, आपने मुझ जैसे नराधम को जीवन दान क्यों दे दिया? क्यों जीवन दान दे दिया प्रभु? ये अहंकार का मारा दक्ष तो हत्यारा है प्रभु, हत्यारा। अपनी पुत्री का और इन सब का जो यहाँ यज्ञ पर लेने आए थे। हे प्रभु, इस दुष्ट नीच खलदक्ष को आपने पुनर्जीवन दे दिया, अपने पुनर्जीवन दे दिया प्रभु। इस सुखद के लिए मैं सदा सदा के लिए आपका आभारी रहूंगा, आपका कृतज्ञ रहूंगा प्रभु। दक्ष प्रजापति, मैंने तुम्हें यज्ञ का संपूर्ण फल दिया, अब आप यज्ञ पूर्ण कीजिए। सती, 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 मैं तुम्हें इतनी देर से पुकार रहा हूं फिर भी तुम मौन क्यों हो? मेरी पुकार को नकार क्यों रही हो प्रिय? तुम्हें तो तुम्हारा ये पति अत्याधिक प्रिय है ना, तुम्हारा आराध्य इष्ट सभी कुछ है ना। मेरे नेत्र के इंगत मात्र से तुम मेरे हृदय की भाषा समझ लेती हो, किंतु आज आज ऐसे मीठे स्वप्नों में खोई हुई हो कि मेरा आर्तनाद भी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। हंस रही हो तुम? इतनी महान भूल करने के बाद भी हंस रही हो? तुम्हें कितना समझाया, वर्जना भी दी कि बिना आमंत्रण कहीं जाना अशोभनीय और असम्मानजनक होता है, विशेष रूप से वहां जहां तुम्हारे पति के विरोधी हों, उन्हें अपमानित करने का अवसर खोजते रहते हैं। किंतु तुम्हारा त्रियाहट मेरी बात पर भारी पड़ गया, तुम दक्ष यज्ञ में चली गई और स्वामी आश्चर्यचकित न हुई। स्वामी, मैं सती पुनः वही पहुंच चुकी हूं जो मेरा स्थायी आसन है
आपका हृदय। हाँ स्वामी, मैं आपको वहीं से पुकार रही हूँ। पुकार रही हूँ, किंतु अपने नेत्र क्यों नहीं खोलती प्रिय? तुम्हारे कमल समान ये नेत्र, जिनमें न जाने कितनी बार मैंने स्वयं को देखा है। सती, चेतन हो जाओ, अपने पूर्व रूप में मेरे सामने आओ प्रिय। स्वामी, आप अपना ही वचन स्मरण कीजिए और मन की आंखें खोल कर देखिए। हम दोनों शिव शक्ति भिन्न नहीं है, एक ही परम तत्व साक्षात पर ब्रह्म है, जिसका ब्रह्मांड साक्षी है। प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? देवी सती हमसे रुष्ट हो गई है। भोलेनाथ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों, क्या सदा पत्नी को ही पति का साथ देना चाहिए? पति को नहीं, हम अपनी रुष्ट प्रिया का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। नमः शिवाय।